हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको आइज़ ड्रॉ करने सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइज़ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले आई के स्ट्रक्चर को समझना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले दो गाइडलाइंस ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ गाइडलाइन मैं बिल्कुल सेम मेथड से ड्रॉ करूँगा जैसे कि मैंने पिछली लिप्स वाली वीडियो में ड्रॉ की थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जितने साइज़ की आई बनाना चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस वर्टिकल लाइन के हाफ पे मैं मार्क करके इसके ऊपर सेम 8 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। अब मेरी बेसिक गाइडलाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसकी चारों तरफ मैं हाफ हाफ सेंटीमीटर पे 3 बार मार्क लगा दूँगा जिससे मुझे बाद में सर्कल बनाने में ईजी होगा। आप चाहे तो आप कोई भी सर्कल वाली मतलब गोल चीज लेके उससे सर्कल बना सकते हैं। तो भी मैंने इस लाइंस के चारों तरफ हाफ हाफ सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को मैं मिला के 3 सर्कल बनाऊंगा। अब मैंने सभी पॉइंट्स को आपस में मिला के 3 सर्कल ड्रॉ कर रही हैं। आप जरा देख सकते हैं, जो बड़ा सर्कल है वो है आईबॉल, ये छोटे वाला है आयरिस, और सबसे छोटे वाला सर्कल है जो सेंटर में है वो है प्यूपिल। तो अब हम इसके लेफ्ट साइड पे बनाएंगे टीयर डक्ट और थोड़ी सी कर्व्ड लाइन अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ ड्रॉ करेंगे और सेम प्रोसेस से नीचे भी ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे आई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसकी गाइडलाइंस थी और जो आई बॉल की बड़ी वाली बॉल है वो हम इरेज कर देंगे। तो देखा आपने, सिर्फ 3 सर्कल्स और 2 लाइंस की मदद से हमने कितनी अच्छे तरीके से आई की एकदम परफेक्ट ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। तो अब बारी आती है शेडिंग की। शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है तो इसे मैं लाइट प्रेशर से ही शेड कर रहा हूँ। और आई का जो प्यूपिल पार्ट होता है, जो एकदम छोटे वाला गोला होता है जो लाइट के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा होता रहता है, वो थोड़ा सा वो पूरा डार्क होता है, इसलिए यहाँ पर मैं डार्क प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल से। प्यूपिल पार्ट को पूरी तरह से डार्क करने के लिए मैंने पहले 2B पेंसिल का यूज़ किया, उसके बाद 6B पेंसिल और फिर 10B पेंसिल से मैंने उसे पूरी तरह से डार्क करके शेड किया। अब आई के ऊपर राइट साइड से लाइट पड़ रही है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटी छोटी शेप्स ड्रॉ की है। इससे हमारे ड्राइंग में ये पता लगेगा कि आई पे किस साइड से लाइट पड़ रही है और वो उसी साइड से रिफ्लेक्ट कर रही है। आप चाहे तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो अब बारी आती है आयरिस की। आयरिस को शेड करने के लिए मैं ये 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और थोड़े से डार्क प्रेशर में इसे शेड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पेंसिल से छोटे छोटे स्ट्रोक्स बना रहा हूँ प्यूपिल की चारों तरफ, जो कि प्यूपिल के अंदर से बाहर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये बनाने से आई और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, क्योंकि आपने देखा होगा आई के जो आयरिस पार्ट होता है उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं। अब सेम प्रोसेस से मैं आयरिस के ऊपर भी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। शेडिंग की फर्स्ट लेयर अब कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं आई के ऊपर और नीचे शेडो क्रिएट करने के लिए हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। शेडिंग की फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद अब मैं 10B पेंसिल से इसकी सेकेंड लेयर शेड कर रहा हूँ। उसके लिए भी मैं जस्ट सिंपल आयरिस के ऊपर बाहर से अंदर की ओर आते हुए स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था। अब सेम प्रोसेस का यूज़ मैं प्यूपिल के ऊपर भी कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं 10B पेंसिल से प्यूपिल के बाहर की तरफ आते हुए स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ।
अब आई की डार्क वैल्यूज़ और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए मैं फिर से 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आई के जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ हैं वो और भी ज़्यादा बाहर निकल कर आए। लाइट रिफ्लेक्शन के लिए आयरस के ऊपर जो मैंने छोटी छोटी शेप्स बनाकर छोड़ी थी, वो भी ब्लेंडिंग के टाइम पेंसिल के साथ ही मर्जे हो गई हैं। तो अब उसे रिक्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर टोम्बो ज़ीरो इरेज़र से उसे थोड़ा थोड़ा सा इरेज़ कर दिया। अब आई के छोटे छोटे एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, और जो इसके हाइलाइटेड पार्ट हैं जहाँ पे डार्क शेडोज़ है वहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके उसे और डार्क कर रहा हूँ। अब बारी आती है मेन हाइलाइट्स की, उसके लिए मैं एज़ यूजुअल टोम्बो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करूँगा। जो मैंने यहाँ पर आइरिस के ऊपर स्ट्रोक्स लगाए थे उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर मैं कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क प्रेशर का यूज़ करके इरेज़र से उस पार्ट्स को इरेज़ कर रहा हूँ, ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट हो। और पेंसिल ब्रश और मेकअप ब्रश से मैं उसे हल्के हाथों से ज़रा ज़रा सा ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के टाइम जो हमारी थोड़ी सी डार्क वैल्यूज़ थी वो थोड़ी सी अब मर्ज हो चुकी है ब्लेंडिंग की वजह से। उसे रिक्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है वहाँ वहाँ पर मैं थोड़ी सी डार्क प्रेशर से इसे शेड कर रहा हूँ। तो मेरी आई की ड्राइंग मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कर बनाऊँगी इस पर आईलैशेस। आईलैशेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी कोई सिंपल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी पेंसिल अच्छी तरीके से शार्प हो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लेफ़्ट साइड से आई के स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये स्ट्रोक्स मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ बेंड होते हुए बनाए हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस मैं सेंटर में भी करूँगा, लेकिन सेंटर में मेरे जो आई लैशेस के स्ट्रोक्स होंगे वो ऊपर की तरफ उठे होंगे, और जो राइट साइड के स्ट्रोक्स हैं वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर बेंड होते हुए मैं बना रहा हूँ। आपको भी ये प्रोसेस याद करके ही आई लैशेस बनाने हैं। Slams through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go. अब सेम प्रोसेस का यूज़ मैं नीचे वाली आईलिड पे भी कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं जैसे ऊपर स्ट्रोक्स लगाए थे बेंड होते हुए, वैसे ही मैं 10B पेंसिल से नीचे भी स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ आईलैशेस के। अब नीचे वाली आईलिड की शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ किया है। पेपर स्टम्प से मैंने सिंपली जस्ट आईलिड के नीचे ब्लेंड कर दिया, जिससे शेडो का इफेक्ट आ गया। अब मेरी ये आई वाली ड्राइंग मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे फाइनल टच के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 10B पेंसिल का यूज़ मैं इस ड्राइंग में अब उधर उधर कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे डार्क वैल्यूज और ऑप्ट करनी है, जिससे कि ये और रियलिस्टिक लग सके। तो अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।